और दमोह से बड़ी खबर, विधायक प्रतिनिधि अरविंद जैन सहित दो लोगों की हत्या का मामला कर दी गई है। बता दें चौधरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के जन्मदिन की पार्टी के बाद ये हत्या हुई है। जन्मदिन की पार्टी में विवाद हुआ था, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लोहटा थाना क्षेत्र के बनबार की पूरी घटना बताई जा रही है। दमोह से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बता दें विधायक प्रतिनिधि अरविंद जैन सहित दो लोगों की हत्या की गई है। जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के जन्मदिन की पार्टी के बाद यह हत्या हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें लोहटा थाना क्षेत्र के बनबार में जो अरविंद जैन है, ये पुराना हिस्ट्री शीटर है, थाने का गुंडा, गुंडा सूची में भी इसका नाम है। इसके द्वारा गाली गलौज की गई थी खुद को। दोनों चूंकि पड़ोसी हैं, इसी बात को लेके दोनों पक्षों में विवाद हुआ और कैजुअलिटी हुई है। नोहटा थाना क्षेत्र के बनबार की पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जन्मदिन की पार्टी में विवाद हुआ था, लोधी के जन्मदिन की पार्टी के बाद हत्या हुई है। विधायक प्रतिनिधि अरविंद जैन सहित दो लोगों की हत्या हुई है। जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के जन्मदिन की पार्टी के बाद ये हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, विधायक प्रतिनिधि अरविंद जैन सहित दो लोगों की हत्या की गई है। जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के जन्मदिन की पार्टी के बाद यह हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नोहटा थाना क्षेत्र के बनबार की पूरी घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बीडी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बीडी जाना चाहेंगे पूरा जो मामला है, इसमें अभी तक क्या अपडेट्स? जी मैं नेहा आपको बता दूं कि कल जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी का जन्मदिन था और शाम 7 बजे के लगभग धर्मेंद्र सिंह लोधी का जन्मदिन नोहटा थाना क्षेत्र के बनबार में मनाया जा रहा था। वहीं विधायक भी मौजूद थे। उसी के बाद जब विधायक वहां से चले गए तो दो पक्षों में गाली गलौच हो गई और उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें विधायक प्रतिनिधि अरविंद जैन की मौत हो गई और साथ ही एक और व्यक्ति मोनू ठाकुर की भी मौत हो गई। वहीं जो आरोपी पक्ष है वह फरार बताया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वह भी मौके पर पहुंचे थे और जांच की जा रही है और आरोपी अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। जी, ये भी बताएं विवाद किस बात को लेकर हुआ था, क्योंकि जन्मदिन की पार्टी यहाँ पर चल रही थी, उसके बाद विवाद उपजा तो किस बात को लेकर? जी, पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि शराबखोरी हुई थी और उसके बाद ही गाली गलौच हुई और विवाद हुआ था। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रमुख कारण क्या था। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स आपसे लेंगे। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आगे की जांच कर रही है।